हेलो दोस्तों, नोएडा ट्विन टावर। आखिर इन टावर्स को गिराया क्यों जा रहा है? अगर यह टावर अनियमितता बरतकर बनाए गए तो 32 मंजिल की इमारत खड़ी कैसे हो गई? बिल्डर ने नियमों को कैसे ताक पर रखा? आइए जानते हैं। नोएडा के सेक्टर 93 में बनी सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 32 मंजिल ट्विन टावर रविवार को ध्वस्त कर दिए जाएंगे। 200 करोड़ से ज़्यादा की लागत में बने इन टावर्स को गिराने में करीब 20 करोड़ का खर्च आने की बात कही जा रही है। इन सब के बीच सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इन टावर्स को गिराया क्यों जा रहा है? अगर यह टावर अनियमित बरतकर बनाए गए तो 32 मंजिल की इमारत खड़ी कैसे हो गई? बिल्डर ने नियमों को कैसे ताक पर रखा? नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी क्या कर रहे थे? आइए जानते हैं 32 मंजिल की इमारत खड़ी कैसे हो गई। कहानी 23 नवंबर 2004 से शुरू होती है, जब नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A स्थित प्लांट नंबर 4 को एमराल्ड कोर्ट के लिए आवंटित किया। आवंटन के साथ ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिल तक मकान बनाने की अनुमति मिली। 2 साल बाद 29 दिसंबर 2006 को अनुमति में संशोधन कर दिया गया। नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करके सुपरटेक को 9 की जगह 11 मंजिल तक फ्लैट बनाने की अनुमति दे दी। इसके बाद अथॉरिटी ने बनाने की संख्या में भी इजाफा कर दिया। पहले 14 टावर बने थे, जिन्हें बढ़ाकर पहले 15, फिर इन्हें 16 कर दिया गया। 2009 में इसमें फिर से इजाफा किया गया। 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया। 2 मार्च 2012 को टावर 16 और 17 के लिए FR में फिर बदलाव किया। इस संशोधन के बाद इन दोनों टावर को 40 मंजिल तक करने की अनुमति मिल गई। इसकी ऊंचाई 121 मीटर तक तय की गई। दोनों टावर के बीच की दूरी महज 9 मीटर रखी गई, जबकि नियम के मुताबिक दो टावरों के बीच की दूरी कम से कम 16 मीटर होनी चाहिए। अनुमति मिलने के बाद सुपरटेक समूह ने एक टावर में 32 मंजिल तक जबकि दूसरे में 29 मंजिल तक निर्माण भी पूरा कर दिया। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और ऐसा पहुंचा कि टावर बनाने में हुए भ्रष्टाचार की परतें एक के बाद एक खुलती गई। ऐसे खुली कि आज इन टावर को ध्वस्त होना पड़ा। आपको ये जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।